पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है। इसको अच्छी तरह देखिए, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देर इज ए स्टोरी इन द फाइनेंशियल टाइम्स, वन ऑफ द प्रीएमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड, वेयर दे आर क्लियरली स्टेटिंग दैट अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइसेस। मिस्टर अदानी बाइज कोल इन इंडोनेशिया एंड बाय द टाइम द कोल अराइव्स इन इंडिया
its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka, in Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible. So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? Now, I have a CC meeting, so if you have a couple of questions on this topic, because I would like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions on this topic, I'm happy to answer them. SEBI ने सरकार को कहा कि हमें documents नहीं मिल रहे हैं. SEBI सरकार के से कहती है हमें documents नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को documents मिल रहे हैं. Financial Times को सारे documents मिल गए, और हमारी यहां पे से भी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं. तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है. 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है इसमें, मतलब ये प्रूफ है इसमें, ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं. और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है. बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है. और करवा कौन रहा है, अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री. तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है, और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है. और यह मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, यह मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है, अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा. हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा. भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी. बढ़ता जाएगा. और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं, हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है. और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं,
अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, पूरा देश जानता है। राहुल जी, आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मैंने उनसे, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी, मिस्टर मोदी इज, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड मिस्टर मोदी दिस क्वेश्चन एंड नॉट मिस्टर शरद पवार। इफ मिस्टर शरद पवार वॉज सिटिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी, देन आई वुड बी आस्किंग मिस्टर शरद पवार दैट क्वेश्चन। नहीं देखिए, असर हो रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है, और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है, जो उनका उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये गांव गांव में लोगों को मालूम है, और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, यहां पे ओवर इन्वॉइसिंग की है, 20,000 करोड़ रुपए का मामला उठा है, पूरा देश जानता है। तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं आप सफाई दे दीजिए, कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है। सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है, इशू वो है, और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी?